आज होमवर्क में हमें टेबल्स लर्न करने हैं। अरे यार मम्मा, आज फिर से टेबल। लर्न तो करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस तो करोगे तो ही याद रहेगा ना आपको। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा सिक्स, थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा, अरे यार फिर से भूल गया। क्या करूं जिससे मुझे अपने आप की टेबल याद रह जाए। मम्मा कहती है जो चीज हमें पढ़ाई में मुश्किल लगती है उसे सीखने का तरीका बदल देना चाहिए। अब मुझे कुछ ऐसी ट्रिक ढूंढने पड़ेगी जिससे मुझे टेबल्स इजीली याद आ जाए। लगता है अब क्रियांश का जादू चलाना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने टेबल्स लर्न करने की इजी ट्रिक ढूंढ ली है। क्रियांश का जादू चल गया। आज वो एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे आप आसानी से 2 से 10 तक की टेबल लर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको वन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसका नाम है राइट काउंट डाउन राइट काउंट। सबसे पहले हमारी जो स्क्वायर स्क्वायर वाली मैथ्स की बुक है उसमें पहले रो में और कॉलम में 1 to 10 लिखने का। उसके बाद पहले मैं आपको 2 के टेबल सिखाऊंगा। तो पहले मेथड में क्या लिखा है, राइट काउंट, तो आपको 2 तक राइट काउंट करना है। फिर डाउन काउंट, डाउन लिखा है तो डाउन काउंट करने का। उसके बाद राइट काउंट करने का, राइट काउंट करने का, तो यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐसे ही आप 6 1 2 to 10 तक के टेबल लिखना जिगजैग वे में। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखने का 6 6, तो 6 7 8, तो यहाँ पे लिखने का 8 8 9 10, तो यहाँ पे लिखने का 10। फिर 10 11 12, तो यहाँ पे लिखने का 12, 12 13 14, तो यहाँ पे लिखने का 14। हमने अपनी मेथड को फॉलो करके 2 का टेबल लिख दिया है। अब मैं आपको वापिस काउंट करके दिखाता हूँ। राइट काउंट, अभी हमने 2 की टेबल लिखी तो 2 तक ही काउंट करना है। राइट काउंट डाउन, अब फिर डाउन जाना है। उसके बाद राइट काउंट, राइट काउंट, अब मैं आपको 3 की टेबल सिखाता हूँ। इसके लिए आपको राइट काउंट करना है 3 तक, उसके बाद डाउन जाना है, उसके बाद वापस राइट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6, तो 6 7 8 9, तो यहाँ पे लिखना है 9, 9 10 11 12, तो यहाँ पे लिखना है 12, 12 13 14,
3, 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 3
अपनी 3 की टेबल फिनिश कर दी है। अब ये मेथड आपको अच्छे से आ जाए इसलिए मैं 6 का टेबल बना के दिखा रहा हूँ। अब हमें 6 की टेबल लिखनी है तो राइट 6 तक राइट काउंट करेंगे, फिर डाउन 7, डाउन काउंट करने का राइट काउंट 8, 9, 10, 11, 12, तो आंसर क्या हुआ 12। फिर 12, फिर डाउन काउंट 13, 14, 15, फिर राइट काउंट 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ 18, 18, 19, यहाँ पे डाउन काउंट करने का राइट काउंट 19, डाउन फिर 20, 20, राइट काउंट 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 24। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ना कैसे हमने ये सारी टेबल लिखी। आप ये मेथड घर पे जरूर ट्राई करना, कुछ समझ ना आए तो कमेंट में लिखना।